मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानके और आज देशवासियों के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया है। और इसी बीच हमारे बीच मौजूद हैं 1990 में लक्ष्मण सिंह जी गौर का 370 धारा हटाने के लिए साथ देने वाले और पीएम को ज्ञापन देने जाने के लिए लोकेंद्र सिंह जी राठौर, जिन्होंने धारा 370 हटाने में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो हम सर से जानेंगे कि धारा 370 हटाई जा चुकी है तो उससे आगे क्या हो सकता है और उन्होंने धारा 370 हटाने के लिए क्या क्या प्रयास किए। सर, सबसे पहले बधाई कि आपका इतने सालों पहले का प्रयास आज सफल हो गया है और धारा 370 कश्मीर से हटा दी गई है। बधाई दीक्षा जी आपको भी और घमासान.com देख रहे सभी दर्शकों को मेरी ओर से इस ऐतिहासिक दिन पर बहुत सारी बधाइयां। 1952 से भारतीय जनसंघ का यह सपना था कि धारा 370 के रूप में जो एक काली धारा हमारे देश पर कश्मीर पर लागू की गई है, इसे कैसे भी खत्म किया जाए। और 1952 से लेकर अभी तक ना मालूम कितने नेतागण, ना मालूम हमारे कितने सैनिक इस धारा की वजह से मां शहीद हो चुके हैं। 1990 में कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, धारा 370 हटाओ कश्मीर बचाओ, इन नारों के साथ श्री लक्ष्मण सिंह जी गौड़ के नेतृत्व में 32 लोगों की पदयात्रा मई जून की तपते दिनों में, जब मई जून पूरे देश में गर्मी का मौसम होता है बहुत ज्यादा, तो 20 मई को इंदौर से एक यात्रा शुरू हुई जो कि 35 दिनों की यात्रा पूर्ण कर दिल्ली पहुंची। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुआ करते थे। उन 35 दिनों में यात्रा बड़ी दुष्कर रही क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की भीषण गर्मी हमने झेली और उस समय विजुअल मीडिया इतना नहीं था, सिर्फ प्रिंट मीडिया के माध्यम से ही या रेडियो पे जो खबरें आती थी उससे ही सब कुछ मालूम पड़ता था। तब जन जागृति के उद्देश्य से प्रधानमंत्री को तो ज्ञापन देना ही था, साथ साथ कश्मीर विषय को लेकर जनता में जागरूकता है इस उद्देश्य को लेकर इंदौर से दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की हमने वो पदयात्रा की थी। जैसे आज हम देख रहे हैं कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं मोदी जी, अमित शाह और हमारी सरकार का, जिन्होंने इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया उसके बावजूद भी, तो उस समय भी विरोध करने वाले थे। हमारी यात्रा जो बहुत शांतिपूर्वक चल रही थी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे समाजवादी पार्टी से। जब हमारी यात्रा आगरा शहर पहुंची थी तब भी उन्होंने हमारी यात्रा पर लाठीचार्ज करवाया था, हमारे बहुत सारे साथी घायल हो गए थे उसमें, परंतु उनका वो बर्बर लाठीचार्ज भी हमारे हौसलों को रोक या तोड़ नहीं पाया था और हमने दिल्ली तक की यात्रा पूर्ण की थी। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सारे पदयात्रियों का सम्मान किया था और बहुत गरिमामय आयोजन में उस यात्रा का समापन हुआ था। धारा 370 हट चुकी है कश्मीर से, तो इसे आप किस रूप में देखेंगे? धारा 370 हट चुकी है तो इसके लिए तो यही कहा जा सकता है कि इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ हमारी लगती हुई जो सीमा है पंजाब, गुजरात और राजस्थान में, वहां आप देखेंगे वहां कभी भी वायलेशन नहीं होता है, पर जम्मू कश्मीर में रोज का किस्सा है। रोज हमारे सैनिक मरते हैं, रोज हमारे अधिकारी मरते हैं, रोज कश्मीर का आम आदमी मरता है। आतंकवाद और पाकिस्तान की गोलीबारी, ये दो बड़े कारण हैं वहां इतनी हमारी जनहानि का। पूरे देश की जनता जानती है कि हमारी केंद्र सरकार बड़े बड़े पैकेज जारी कर दिए कश्मीर के नाम पर जी। पर कश्मीर के दो परिवार अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली वो सारा पैसा खा जाते हैं, वो सारा पैसा कहीं ना कहीं आतंकवादियों तक पहुंचता है और आतंकवाद को अपरोक्ष रूप से हम वहां पाल रहे थे। वो आतंकवाद इस 370 के खत्म होने से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान भी अब कश्मीर में किसी प्रकार की हिमाकत नहीं करेगा। आतंकवादियों के सहारे
पाकिस्तान का एक जो नेटवर्क डेवलप हो जाता था कश्मीर में, कश्मीर में वो डेवलपमेंट भी खत्म होगा पाकिस्तान का, और निश्चित रूप से एक शांत राज्य के रूप में कश्मीर की अपनी पहचान बनेगी, और अब कश्मीर ईमानदारी से विकास के पथ पर अग्रसर होगा। कश्मीरी युवा जो सिर्फ या तो कालीन बनाते हैं या सूखे मेवे का व्यापार करते हैं या सेव फल की खेती करते हैं, उन्हें भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। जब भारत के अन्य उद्योगपति उद्यमी वो कश्मीर में जाकर जमीन खरीदेंगे, प्लाट्स खरीदेंगे और नए व्यापार उद्योग विकसित करेंगे, तो निश्चित रूप से कश्मीर के युवा को रोजगार का अवसर मिलेगा और कश्मीर के अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। साथ ही जो अधोसंरचना रूपी जो विकास है वो भी निश्चित रूप से बहुत तीव्र गति को प्राप्त करेगा। अभी तक 370 की वजह से जो परिणाम देखे जा रहे थे, तो उन परिणामों में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं? सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि यदि पाकिस्तान का कोई नागरिक कश्मीर की किसी लड़की से शादी करता तो कश्मीर का नागरिक हो जाता था, और इसके उलट यदि कश्मीर की कोई लड़की शेष भारत के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उसके कश्मीर के भी अधिकार खत्म हो जाते थे, उसकी कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी, और मतलब पूरा उलट बंसी बज रही थी। वहां पाकिस्तान का आदमी आके आसानी से नागरिकता ले सकता, पर भारत का आदमी, भारत का वो व्यक्ति जिसके टैक्सेस है, कश्मीरी लोगों का पालन पोषण हो रहा है, कश्मीर पोषित हो रहा है, उसका वहां बिल्कुल भी अधिकार नहीं था, वो अधिकार मिला आज हमको। और एक और बात कहूंगा कि कश्मीर अभी तक भारत का भिन्न हिस्सा था, आज से कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा हो गया है 370 हटने के बाद। और 370 के विषय में आप और क्या बोलना चाहेंगे दर्शकों के लिए, जिससे क्या फायदा हो सकता है? हम तो देश की आजादी के बाद पैदा हुए हैं, हमने रात दिन मरुभूमि आंदोलन देखा, वो भी ऐतिहासिक दिन थे, और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है। मैं तो यही अपील करूंगा कि लोग व्यर्थ की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, ऐसी अफवाहें जो कहीं अशांति पैदा कर सकती है, अशांति फैला सकती है, ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दें। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी और गृह मंत्री श्री अमित जी शाह ने जो काम किया है वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक दिन है, और आप और हम इस इतिहास के साक्षी बने हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी गौड़, जिसे ना मालूम कितने लोगों ने जो अलग अलग प्रयास किए इस धारा को हटाने के लिए, आज उन सभी का सपना पूरा हुआ। मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूँ। और भी राजनीतिक विषयों के साथ आज हम आपके सामने आए हैं, और आगे भी आप और भी राजनीतिक विषयों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे, तो आप देखते रहिए ghamasan.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।